मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् ऋमोरिहन्तारं ऋमो सिद्धारं ऋमोआयरियाणं ऋमोच्छायारं ऋमोलयसुविसाहुरं। पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की। अहिंसा विश्व धर्म की। जबलोचर्या श्रमणी अध्यात्म की। अध्यात्म जगत के राजन युवा पट्टाचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। बंधु आचार्य प्रवर भगवद कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय सारजी ग्रंथ पर आचार्य प्रवर अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में अध्यात्म कलश का सृजन किया, जिस पर शुभचंद्र स्वामी ने परमाध्यात्म टीका लिखी। संसार में जीने वाले जीव बहुत हैं, पर जीव को पहचानने वाले जीव बहुत कम हैं। चैतन्य को समझने वाले जीवों की संख्या बहुत न्यून है। कोई रागाधिक भाव को ही जीव मान रहा है, जो क्रोध, मान, माया, लोभ चार कषाय हैं। इन चार कषायों से युक्त जो परिणाम है, अदृश्य भाव है, उन्हें ही अज्ञानी जीव मान रहा है। जबकि इस जीव में विकारी भाव है, जैसे कि सेव फल है, मौसम्बी है, तो उस फल के अंदर रस का होना उसका धर्म है, परंतु उसमें कीड़े पड़ गए हैं। कीड़े पड़ना उसका सहज धर्म है कि विकारी भाव है। कोई फल है, सेव फल है, मौसम्बी है, आम्र फल है, आम सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, तो जो कीड़े जो हैं वो आम है कि आम स्वतंत्र वस्तु है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आम के फल में कीड़े पड़ चुके हैं, तो क्या फल कीड़े हो गया? कीड़े फल हो गए? बहुत बढ़िया। फल तो फल ही है, उसमें कीड़े पड़ गए। सही है। ऐसे ही आत्मा तो आत्मा ही है, चैतन्य तो चैतन्य है, जीवत तो जीवत्व है। राग, देश, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ जो विकारी भाव आ रहे हैं, जैसे फल में कीड़े पड़ गए हैं, ऐसे आत्मा में विकारी भाव है। षड़ा फल विकृत है। ऐसे विकारी भावों से युक्त आत्मा विकृत है, पर जैसे फल में पड़े कीड़े को फल नहीं स्वीकारता ज्ञानी जीव, सड़े हुए फल में पड़े कीड़े को फल रूप स्वीकार नहीं करता ज्ञानी जीव, ऐसे क्रोधादि भावों को आत्मा स्वीकार नहीं करता ज्ञानी जीव। क्रोध उत्पन्न हुआ है, क्रोध उत्पन्न हुआ है, मान उत्पन्न हुआ है, मायाचारी उत्पन्न हुई है, विकारी भाव उत्पन्न हुए हैं, नकी हैं। पर जो भेद करना नहीं जानता वह इन्हें ही जीव मानता है और संतुष्ट हो गया इन्हें जीव मान करके, तो इन विकारी भावों को स्वभाव मान लेगा। और मालूम क्या कर रहा है अज्ञानी प्राणी, मेरी गुस्सा को तुमने देखा नहीं है, अच्छा। क्या बोल रहा है जिनसेन जी, मेरी गुस्सा को आपने देखा नहीं है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? तेरी गुस्सा को देखा नहीं है मतलब क्या दिखाएगा जीव? कीड़ों को फल मान रहा है, धिक्कार हो। कीड़ों को फल मान रहा है, धिक्कार हो। जैसे जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं उस फल को हम दूर कर देते हैं, ऐसे जिन भावों में क्रोध आ रहा है उन भावों को दूर कर देना चाहिए। ये आत्मा का सहज भाव नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? देखो ये तालियां बोल रही हैं। अब माताओं, किसी ने गुस्सा की, जिनसेन भट्टारा को भी गुस्सा आ गई, तो मालूम आप लोग क्या बोलना, धीरे से, ओहो ज्ञानी, कीड़ों को फल नहीं खाया जा सकता। ओहो ज्ञानी, इसलिए तो तुम चौमासा करा रहे हो। ओहो ज्ञानी, कीड़ों को फल नहीं खाया जा सकता। जैसे कीड़ों को फल नहीं खाया जा सकता है, ऐसे विकारी भावों को आत्मा का स्वभाव नहीं कहा जा सकता है। सागर मित्तू अच्छे सुंदर रतनगिरी के आम लेके आया, रतनगिरी के हापुस, और घर में अपने देवी से कह दिया, रखो इनको, अच्छे से अपन चखेंगे। और देवी ने ऐसी जगह रख दिए, उसमें कीड़े पड़ गए। अब उसी दिन अजित कासलीवाल आ गया इचलकरंजी से। आपने कहा, देवी अपन स्वागत करते हैं कासलीवाल का, वो फल लेके आओ, भारत का राष्ट्रीय फल आम। बच्चे से लेकर बूढ़े तक प्रिय है क्या? आम। और जैसे देवी फल उठाने गई, उसमें कीड़े। अब बोलो सागर भैया, तुम्हारा मन क्या बोलेगा? ओहो, इतने सुंदर फल लेके आए, रतनगिरी के हापुस फल आम लेके आए, सब में कीड़े पड़ गए। ऐसे मित्र, ये मनुष्य देह आम्र फल से भी मधुर है, इसमें काम क्रोध मान माया परिणाम के कीड़े पड़ गए। तुम कैसे कहेंगे कि ओहो? पर मन यही कहेगा, धिक्कार हो, क्या हुआ? जैसे कीड़े पड़े फल को अलग कर देते हो नीरज, ऐसे अपने विकारों के परिणामों को अलग कर देना चाहिए। यह यहां पर कह रहे हैं। पर अज्ञानी क्या बोलता है? अभी आपने मेरी गुस्सा देखी नहीं है, दिखाओ क्या दिखाओगे, कीड़े पड़े फल को अलग हटा दिया जाता है, ऐसे कसाई आदमी को भी श्रद्धा से अलग हटा दिया जाता है। जो फल सड़ चुका है मृत अजित, उसको टोकनी से अलग कर दिया जाता है। बराबर माताओं, जो फल सड़ चुका है विकृत है, उसको टोकनी से अलग कर दिया जाता है। ऐसे श्रद्धा की टोकनी में हम जिन जिन महापुरुषों को रखे हुए थे, उन्हें गुस्सा क्रोध मान माया लोभ के कीड़े लग गए, वे हमारी श्रद्धा की टोकनी से अलग हो जाते हैं। सत्य। सन्नाटा क्यों छा गया? श्रद्धा की टोकनी से दूर कर दिए जाते हैं। इसलिए अद्वैत भाव, चैतन्य का नहीं स्वभाव, फल सुरक्षित रहें, टोकनी में सुंदर लगते हैं। सड़ जाएं तो स्वामी ही अलग कर देता है। ऐसी मन के अंदर आए विकारों को, जो विकारों का स्वामी बना बैठा था, वो स्वयं अपने आप में खिन्न हो जाता है। धिक्कार हो, मेरे ऐसे परिणाम हो रहे हैं। आस्था की टोकनी से पृथक कर दिए जाते हैं। इसलिए इन्हें जीवत तो न स्वीकारा जाए। आप पीयूष भाई, जीवत न स्वीकारा जाए। जगत से हम अपने परिणामों को छुपा सकते हैं, जगत से अपनी क्रिया छुपा सकते हैं, पर स्वयं के असुभ भावों को स्वयं से तो नहीं छिपा सकते। किसे नहीं बोध अपने परिणामों का, किसे नहीं ज्ञान अपने परिणामों का। और स्वयं के परिणाम जिस दिन आपको दूसरे को मालूम चल जाए, तब आपको लगता है कि मैं क्या हो गया। लेकिन जब मायाचारी के साथ जीव अपने अशुभ परिणाम करता है, तब तक नहीं पहचान पा रहा मेरी क्या दशा होगी। इसलिए कर्मणम तिरिक्तम तत्त्वेन अनुपलब्धत्वात् इति केचित्। कोई ऐसा मानते कर्म से पृथक रूप से अन्य कोई जीव प्राप्त नहीं होता। क्या मान रहा है? कर्म ही जीव है, रागादिक भाव ही जीव है। बालक ज्ञानवर्णी दर्शनवर्णी मोहिनी आयु नाम गोतंत्राय, ये 8 कर्म हैं। इन कर्मों के उदय आने पर, जैसे कि मिर्च से माँ भिन्न है और मुख आपका भिन्न है, बराबर। लेकिन मुख में मिर्च जाने पर क्या होता है? बोल भाई। ओह, आंखों में पानी गिरने लगता है, नाक में पानी गिरने लगता है, मुख से सीसी की आवाज आने लगती है। ओह, तीखी मिर्च हो गई तो कानों से धुआं भी निकलने लगता है। एक व्यक्ति का इतना नाजुक गला था, लाल मिर्च अत्यंत तीखी खाई उसने, उसका गला झुलस गया, पूरी आहार नली जल गई। कोई कथा नहीं कर, सत्य घटना है। उसकी आहार नली जल गई। भिन्न वस्तु है, मिर्च भिन्न वस्तु है, उसके ग्रहण करने से आंखों में पानी, नाक में पानी, कंठ में सीसी की मुख से आवाज आ रही है, जबकि भिन्न है। उस मिर्च को हम अपना नहीं स्वीकार कर रहे थे, परंतु उस मिर्च ने अपना फल दिखाया ही है। कटुक तिक्त रस, इतना तिक्त रस था कि आंखों में पानी गिरने लग गया। ऐसी अशुभ कर्मोदय तिक्त है, कटुक है। मिर्च जैसे निजी नहीं है, ऐसी 8 कर्म निज वस्तु नहीं है। बहुत गहरी भूल है, बहुत गहरी भूल है, बहुत गहरी भूल है। सुब्र सागर चाहिए ऋतंभरा प्रज्ञा। और ऋतंभरा प्रज्ञा का मतलब समझना चाहिए, कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, इसका अर्थ समझना चाहिए। आपने तत्वसूत्र में पढ़ा है, सत्यव्रत की परिभाषा तत्वसूत्र में कौन से सूत्र में लिखी? निशंग सागर जी। सूत्र पूछ रहा हूं, सूत्र 7 अध्याय में तो बराबर है। असत विधानम मृतम, असत्य का अवधान करना अनृत है। ठीक है, असत्य का विधान करना अनृत है, झूठ है। सत्य का कहना, सत्य का कहना नृत है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा, इसका अर्थ समझिए। ऋतंभरा प्रज्ञा मतलब ऋत यानी सत्य, जिसमें संशय मोह विभ्रम न हो, छल कपट मायाचारी न हो, ऐसी बुद्धि का होना, उसका नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। जिस योगी के मन में कसाय नहीं है, जिस योगी के मन में मान माया लोभ नहीं है, अशुभ भाव नहीं है और छल कपट के परिणाम नहीं है, ऐसी शुद्ध साधु की बुद्धि का नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। जबकि सत्य महाव्रत है, जिनसेन जी भट्टारक जी, सत्य महाव्रत है, सत्य अनुव्रत है। तो सत्य महाव्रत है, सत्य अनुव्रत है, ये साधना है कि साध्य है? महात्मा प्रणु सागर जी जो सत्य महाव्रत है, सत्य अनुव्रत है, श्रावकों का सत्य अनुव्रत है, मुनियों का सत्य महाव्रत है, ये साधना है कि साध्य है? अब विचार करो, अब विचार करो। साधना ही इतनी कठिन है, सत्य का पालन कोई साध्य नहीं है, क्या है? साधना है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा कोई साध्य नहीं है, साधना है। अपने मस्तिष्क को शांत कर लेना, शब्दों में, अंतरंग में, शरीर से किंचित मात्र भी छल कपट नहीं करना, स्वच्छ कर लेना। आटा बनाने के पहले धान को बीन लेना, आटा बनाने के पहले धान को स्वच्छ कर लेना, धो लेना। आपने ज्वारी धो ली, गेहूं धो लिए, उसके कंकड़ सब बीन लिए हैं, इस साधन को स्वच्छ किया है। क्या आपने स्वच्छ करके अब छोड़ दिया? धान्य को स्वच्छ करके छोड़ दिया, ये आपने किसको स्वच्छ किया है? साध्य को कि साधन को? अब विचार करो, सोचो पीयूष, क्या करोगे तुम विचार? क्या आप दार्शनिक दृष्टि है? साधन को लोग स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं, उनका साध्य क्या स्वच्छ होगा? जिनका साधन ही स्वच्छ नहीं है, उनका साध्य क्या स्वच्छ होगा? गेहूं धोए हैं आपने, ज्वार धोई आपने, ये साधन है, साध्य थोड़ी है। फिर इसको आपने पीसा है, आटा बनाया है, स्वच्छता के साथ साध्य, फिर आटा बन गया। शायद ये भी साधन है। रोटी बनेगी तो तुम्हारा साथ दोगी, साथ ये भी साधन है। तुम्हारी क्षुधा शांत होगी तब साथ दोगा। इसलिए जितने मुनिराज हैं, जितने श्रावक हैं, वे भूल ना कर लें, भेष बनाने मास से सिद्धि नहीं हो जाएगी। साधन को स्वच्छ कीजिए, दिगंबर भेष को स्वच्छ कर लिया, पिच्ची कमंडल सुंदर बना के रख लिया है, शरीर को चमका दिया, ये कुछ नहीं। बहिरंग प्रवृत्ति को ठीक किया है, क्षमतियों का अच्छे से पालन कर रहे हैं, जगत को दिखाई दे रहा है कि मार्जन करके बैठ रहे हैं, मार्जन करके उठ रहे हैं, सारी क्षमतियों को विवेक से पालन कर रहे हैं। अब महात्मा सुव्रत सागर जी जो संडास में सोच जाएं, उनकी तो क्षमतियाँ नष्ट हैं। उनका साधन ही स्वच्छ नहीं है। देखो भाई, मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मार्ग में सत्य की रूपना नहीं होगी तो बट्टा रख दी, जिनवाणी के साथ छल हो जाएगा। किसी की कमजोरी को आगम बना के नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता है। अजित भाई राजस्थान में रहते थे, आज तक धर्मसार के दर्शन किए, फिर सोच जाते थे। आप गए कभी? गए हो? बिहार किया है। स्वच्छ भूमि में जाते थे कि नहीं? दूर जाते थे कि नहीं? हाँ, देखा आपने। अच्छा, आप लोहारिया से आए हो। हे मित्र, समझिए, इस साधन की स्वच्छता है। जैसे मुनिराज लघु शंका जाए, सोच जाए, इस पिक्ची से भूमि का मार्जन करके कोई जीव विघात न हो जाए, समझ रहे ना, कोई जीव विघात न हो जाए, तब वो अपना मर विसर्जन करते हैं। भूमि का स्वच्छीकरण करके, जीव जंतु रहित दे करके मल विसर्जन करते हैं। हे मित्र, हे मित्र, साधन इतना स्वच्छ है, उनका चित्त कितना स्वच्छ होना चाहिए। जैन दर्शन के साधु की साधना दैत्यभूत है। बहिरंग वृत्ति पवित्र होती है, अंतरंग वृत्ति अत्यंत पवित्र होती है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करके वे योगी निर्वाण श्री को प्राप्त होते हैं। यह है मार्ग, यह है मार्ग। बहिरंग शोधन कर लिया है, अंतरंग की शुद्धि की आवश्यकता है। और बेजीब जो कर्म को ही आत्मा कह रहे हैं, कर्म में आत्मा में भेद नहीं दिख रहा उनको। उनका सिद्धांत कि हम पृथक कर ही नहीं सकते हैं, अन्य कोई जीव ही नहीं है। तो ध्यान दो, जो हम एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीव देख रहे हैं ना, ये वास्तव में जीव नहीं है, जीवों के शरीर हैं। इनमें रहने वाले जो जीव आत्मा है वो स्वतंत्र है और देह स्वतंत्र है। जैसे मैं मनुष्य हूं, पंचेंद्रिय जीव हूं, ये इंद्रियों के निमित्त से जीव में पंचेंद्रिय प्रणाली की संज्ञा चल रही है। शरीर के नियोग से ये आत्मा को हम ऐसा बोल रहे हैं, करणा नियोग से पंचेंद्रिय जीव कहेगा, पर द्रव्य नियोग कहेगा ज्ञानी। कुल्फी के सांचे को कुल्फी जरूर कहा जाता है, बालक कुल्फी के सांचे कुल्फी कहा जाता है, पर कुल्फी के सांचे को चूसा नहीं जाता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कुल्फी जानते आप लोग, बाजार में बिकती है ना कुल्फी, तो मसाला भर दिया जाता है उसके अंदर, दूध आदि सामग्री सांचे में। कुल्फी का सांचा है लेकिन सांचे को चूसते कि कुल्फी निकाल के चूसी जाती है। बिल्कुल सही है ना? तो जैसे कुल्फी का सांचा कुल्फी नहीं होता, ऐसे ही मनुष्य के शरीर का ढांचा जीव नहीं होता है। कुल्फी अलग है, सांचा अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आपको 4 महीने समय सार पढ़ना है। पर दूसरे साधुओं को परेशान नहीं करना है, इन सबसे कह देना। नहीं तो कोई महाराज जी आए, बोले महाराज जी कुल्फी का सांचा कुल्फी नहीं है। और कुल्फी नहीं तो गुजिया को क्या बोलते हैं मराठी में? गुजिया। सांचे में रहती ना गुजिया, उसको बंद करके करंजी। अच्छा चलो चलो, मोदक नहीं, मोदक लड्डू होता है, करंजी बराबर। तो करंजी का सांचा आता है ना, तो करंजी का सांचा सांचा है, करंजी नहीं है। उसके अंदर खोलो तब निकलती करंजी है। ऐसे ही आत्मा आत्मा है, शरीर करंजी नहीं है, शरीर तो सांचा है। देखा गया नहीं? आप कैसे कह सकते हो कि महाराष्ट्र में लोग तत्व को नहीं जानते? ये न जानती हो तो कैसे समझ रहे करंजी अलग है, सांचा अलग है, कुल्फी अलग है, सांचा अलग है। ये देह सांचा है, सांचा नहीं है। ये देह आत्मा के लिए सांचा है, ये सांचा जीव नहीं है। इसलिए आदिनंत तीव्र मंद अनुभव विद्यमानस् दुरंतरागस् निर्भरात् द्वसायतम एव जीवस्त अतिरिक्तम अन्यस्त अनुपलब्धमानत्वमिति चेत के चितव। कुछ ऐसे जीव हैं जैसे शरीर आदि से पृथक आत्मा नहीं है, उसी प्रकार से अन्य कोई जीव पृथक प्राप्त नहीं होता। कैसे? महात्मा यशोधर जी, तीव्रतर तीव्रतम मंद मंदतर मंदतम बराबर। अब यहां पकड़ना है, आत्मा को हम कई प्रकार से जान सकते हैं, बहुत अच्छे से जान सकते हैं। गुस्सा आती किसी को? आप लोगों को तो आती नहीं होगी ना। गुस्सा आती किसी को? नीरज से मत पूछो, रोने लगेगा। नीरज गुस्सा आती है? ओह मित्र, क्रोध मान माया लोभ ये कसायिक भाव है, ठीक है। अब माना को आपको जीव को जानना है, जीव को जानना है, शुद्ध जीव को नहीं पहचान पा रहे हो, कोई टेंशन मत लो, अशुद्ध जीव पहचान लो। शुद्ध जीव को नहीं जान पा रहे कोई बात नहीं, अशुद्ध जीव को जान लीजिए। मुर्गी को गुस्सा आती है? नहीं आती ना, मतलब ये पक्का हो गया शरीर को गुस्सा नहीं आती। समझिए, वे मायावी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, जो कह रहे हैं कि इंद्रियां पाप कर रही हैं, जो कह रहे हैं शरीर पाप, आत्मा पाप कर रही है, कि शरीर पाप कर रहा है, सब पागल लोग हैं। मुर्दे को गुस्सा आती है? मुर्दे को गुस्सा नहीं आ रही है, मतलब कि मुर्दा जीव, शरीर जीव नहीं है, शरीर जीव नहीं है, शरीर जीव नहीं है जिसमें गुस्सा आ रही है वो जीव है। अब आत्मा को पहचानिए, शुद्ध आत्मा को नहीं पहचाना पर उसका टेंशन मत लो, अशुद्ध आत्मा को पहचानिए। गुस्सा आ रही है, गुस्सा आ रही है, चलिए बर्तन गर्म होता है उसे पीते हो क्या? बर्तन में दूध गर्म होता है उसे आप पीते हो, बराबर। लेकिन दूध तपा है इसका मतलब बर्तन तपे बिना तप नहीं सकता, ठीक है। और जिस बर्तन में दूध नहीं भी आपने तपाया और गर्म दूध आपने ठंडे बर्तन में रख दिया है तो बर्तन गर्म होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसे ही गर्म शरीर नहीं होता है, कसाय से गर्म आत्मा होती है, शरीर गर्म होने लगता है। प्रयोग करो, प्रयोग करो भट्टारक जी मित्र, अपने शरीर पे हाथ रखना, ठीक है, विश्वास मानना आपका शरीर ठंडा होगा। फिर मन में कोई विकार आ जाए, क्रोध मान माया लोभ को भी विकारी भाव आए, अच्छा तमतमा कर गुस्सा आए, जीव को काम विकार सताए, फिर स्वयं का शरीर छूना। सागर भैया, लोग कपने लगते हैं, ओठ पड़कने लगते हैं, रक्त नेत्र हो जाते हैं, ये मित्र शरीर में नहीं हो रहा है। गरम दूध ठंडे बर्तन में रख दिया है, बर्तन गरम हो गया, ऐसी विकारी भाव शरीर में नहीं आए हैं, आत्मा में आए हैं। आत्मा के आए विकारों को शरीर प्रकट करके दिखा रहा है। कहो लोहारिया ज्ञानी, समझ में आ गया? हाँ, जब साधक साधना में तल्लीन होता है तो शरीर भी ठंडा हो जाता है, विश्वास मानिए। शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में, महात्मा जी लोग उसका व्यापार करने लग गए, सुर विज्ञान से धन कमा रहे बहुत सारे लोग, ऐसे किया, उन्हें जान लिया, पर वास्तव में सुर विज्ञान था क्यों? साधना के लिए था, साधना के लिए सुर विज्ञान। इतना दूर हाथ किया मैंने, मालूम, इतना दूर किया, और यहाँ पर करने पर भी हमारी श्वास यहाँ टकरा रही है, समझ जा तो अपने में नहीं हो। इतनी दूर यहाँ कागज के टुकड़े रख दिए, ठीक है बेटा, टुकड़े करके कागज यहाँ पर रख दिए दूर, आप ऐसे बैठे हो, तुम्हारी सांस आ रही है, उस सांस से कागज के टुकड़े उड़ रहे हैं, मतलब तुम अभी बहुत साधना से दूर हो। तीव्र कसाई जीव है, चंचल चित्त है, चित्त स्थिर नहीं है, कोई सिद्धि नहीं कर सकती, ना आत्मा की कर सकते, ना मंत्र की कर सकते। मतलब पास में तुमने कागज का टुकड़ा रखा, बिल्कुल पास में जिनसेन जी, और ऐसे बैठे हैं, वो कागज हिल नहीं रहा, 1 बलस 2 बलस, 1 अंगुल, आधे अंगुल पर जिसकी सांस नहीं टकरा पा रही है। समझ जाइए पीयूष, इस योगी को सिद्धि से कोई रोक नहीं सकता। 1 क्षण को सुबह शांति बैठ जाना जरा, अच्छे से बैठ जाओ सब। दाहोद बेटा अच्छे से बैठ जा। दोषी देख सांसें चल रही कि नहीं। अपनी सांसों को देखो आप लोग, सांसें आ रही कि नहीं। इस आनंद को आपने जाना ही नहीं। किसी से मैंने थोड़ा ही कहा कि चुप हो जाओ, हमने ये कहा अपनी श्वासों को देखिए, महसूस करो। जिसकी श्वासें शांत हैं उसकी वासनाएं शांत हैं, जिसकी श्वासें लंबी हैं उसकी कामनाएं वासनाएं लंबी हैं। जिनसेन स्वामी ने साधना की है तो इस मठ में श्वासों को साधना होगा। प्रारंभ साधक श्वासों को साधता है, प्रारंभिक साधक श्वासों को साधता है। साधना में लीन होता है तो श्वासें ही सध जाती है। देखिए, सांसों को देख रहे हो तो तुम शांत हो गए। एक प्रयोग किया, अनुभव किया आप लोगों ने। सांसों को आप शांत कर लो, ये महसूस करो मेरी सांसें चल रही हैं। सांस को देखोगे तो स्वयं शांत हो जाओ। एक प्रयोग है, ठीक है, दूसरा प्रयोग करो आप। अब सांसों को शांत नहीं करना, अब चित्त को शांत कीजिए। सोहम सोहम सोहम, चित्त शांत कर लीजिए। श्वासें शांत हो चुकी हैं। कुछ बे हैं जो श्वासों को साधते हैं, कुछ बे हैं जो चित्त को साधते हैं। समकित सागर आए क्या? मित्र, इससे बड़ा प्रयोग कहाँ सीखने जाओगे। अब ना तुमको चित्त शांत करना है, श्वासें शांत करना है। चित्त पर जाओ वही पुद्गल है, श्वासों पर जाओ वही पुद्गल है। तुम पुद्गल में ही लिप्त हो। आत्मा को आत्मा में लगा लीजिए। तीसरी साधना, आत्मा को आत्मा में लगा लीजिए। तीसरी साधना, प्रथम मध्यम उत्कृष्ट। तो आत्मा को आत्मा में लगाता योगी तो चित्त भी शांत, श्वास भी शांत। ऋतंभरा प्रज्ञा। देखो मित्र, यही नादनी है। पूरा सभागार भरा हुआ है। शांत हो गए, जैसे शांत ही हो गए। यही है जीवन मृत्यु का दर्शन। भैया समझ रहे ना, यही है जीवन मृत्यु का दर्शन। मर करके मरे किसने जाना, अन्य ने जाना। जीवन जीते हुए अपने आप को स्थिर बेच रहा है। मां चैतन्य चैतन्य को बेचता है, तब प्राणों पर दृष्टि नहीं है। प्राण प्राण में पर हैं, चैतन्य, चैतन्य में निज जीवन मृत्यु के दर्शन। इस विद्या से जो आप सुन रहे हैं, इस विधा से आप स्वयं समझ जाएंगे कि जगत कहां दौड़ रहा है, तत्व कहां है। जगत कहां दौड़ रहा है, तत्व कहां है। सुबह की अगवानी गई, सुबह की अगवानी गई, ये भीतर की अगवानी है। कितने ढोलकें बज रही थी, कितने बैंड बज रहे थे, हाथी नाच रहा था, घोड़े हिला रहे थे, बैंड बज रहे थे, पुष्पवृष्टि हो रही थी, लोगों के मुख से जय जयकार हो रही थी। भी सब कहाँ चले गए? उसमें भी आनंद था, तब भी चेहरों पर मुस्कुराहट थी। भैया सागर, अब भी चेहरों पर मुस्कुराहट है, पर भीतर है, बाहर नहीं है। मैं तो मात्र आपको इतना वेदन करा रहा हूं कि श्रमण, श्रमण जिनको आपने शास्त्रों में पढ़ा है, योगियों से सुना है, श्रमण अपने युवा शरीर से लेकर के वृद्ध तक किसमें जीते हैं। आपको आज महसूस हो गया कि मैं मान सकता हूं कि जो मैं कह रहा हूं आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन आप जान रहे हो। भैया समझ रहा है ना? किसी को कहना पड़ा आप चुप हो जाओ। कोई मोबाइल भी करता ना, पड़ोसी डांट देता, उसे शांत रहो। हे मित्र, मंदिर की घंटी भी कष्ट देने लगी। मंदिर की घंटी भी अभी बजाओ ना तो कष्ट लगेगा आपको। मंदिर की घंटी कष्ट देने लगी, मन की विकार तुम्हें कष्ट देने लग जाए। आदमी, कुछ लोग सोते समय अलार्म भर के रख देते, बराबर। अच्छी मीठी नींद आती है तो उससे तुम्हारा हाथ कहाँ जाता है? हाथ कहाँ जाता है? उठते हो कि उसको अलार्म को बंद कर देते हो? वहीं। ओह, अलार्म भर के सोना कोई जागना थोड़ी है। अलार्म भर के सो गया अजित कासलीवाल, और जब अच्छी नींद आती गहरी तो धीरे से, अरे आंखें बंद हैं और ऐसे गया हाथ, अलार्म बंद। मतलब गहरी नींद को अलार्म भंग कर रहा था, कष्ट दे रहा था, बराबर, कष्ट दे रहा था। ऐसे परम योगीश्वर जब निज में स्थिर होते हैं, उनकी आत्मा के विकल्प को कष्ट देने उनको भी बंद कर देते हैं, भीतर का आनंद लेते हैं। यह है समयसार। इसलिए जो तीव्र मंद अनुभव भेद रूप होते दुरंतम, जिनका अंत कठिनाई से होता है, बहुत कठिन है। अभी सुन रहे हो इसलिए शांत बैठे हो। अब ऐसे स्थान बैठे भग भी नहीं सकते हो। यहाँ से तो जा भी नहीं सकती। सब वो क्या स्वस्ति श्री जगतपू जगत गुरु जिनसेन भट्टारक जी, अब तुम यहाँ जा भी नहीं सकते। यहाँ से करके नहीं जा सकते बेटा। आने को नहीं सोच पाओगे, सागर पकड़ के लाएगा। वो ये कहेगा, स्वामी चलो, आपने पंचात्मा कराया है मित्र। अनुभाग, इन विपाक, विपाक शुभ का अनुभाग, अशुभ का अनुभाव, दोनों अनुभाग झेलना कठिन है। पुण्य के उदय को भी झेल पाना कठिन है शांति से, और पाप के उदय को भी झेल पाना कठिन है शांति से। कर्म का विपाक तीव्र आए और शांत रह आओ, ये बहुत कठिन है। और फिर भैया देख अनुभाग चल रहा है आपका, विपाक कौन हुआ? कहाँ ऊद गांव में जन्मा बच्चा और राज्य कर रहा है नांदनी में। अनुभाग, अनुभाग, पिता घर में होते गाल पर दो चांट मारता, बोलो बैठो कुछ करो। यहाँ वो सागर कहते स्वामी जी, स्वामी जी, ओहो सब माता भी क्या हो रही है, स्वस्ति श्री। मित समझ अनुभाग, प्रैक्टिकल में प्रयोग में देखो अनुभाग, अनुभाग। बालक वीर तुम टुन्ना के बैठ जाते हो दादा से, बोले ये लाओ वो लाओ, नहीं तुम घर जा छोड़ के भाग रहे हैं। करने लगे ऐसे काम ये क्यों नीरज? ओहो अनुभाग, बेटा ये पुण्य का उदय चल रहा तुम्हारा कि दादा हाथ जोड़ा बेटा वीर भोजन कर ले। अनुभाग, पुण्य का अनुभाग, पुण्य का अनुभाग। यशोधर सागर जी, कोई श्रावक पड़घान कर रहा आपको, एक एक रोटी को भिखारी तरस रहे हैं, और ये बेचारे तरस रहे कि मुनिराज पड़क जाओ हमारे घर चलो, हे सोमी नमोस्तु नमोस्तु, और मित्र भक्ति से नब्दा भक्ति से तुमको आहार दे रहे हैं। अनुभाग, नहीं तो लोग एक एक रोटी के टुकड़े को तरस रहे, दाल के दाने को तरस रहे हैं, और तुम्हें मना मना के माताएं खिला रही हैं। अनुभाग। तो पुण्य के अनुभव में अजित कासलीवाल जी, मित्र कहाँ दिल्ली, कहाँ कहाँ श्रीपति चढ़ाने गए भाई साहब। और सोचो आपके गांव में आए मुनिराज, गांव में आए त्यागी, वो चाहते हैं कि कासलीवाल चातुर्मास करा ले हमारा। महाराज जी व्यवस्था नहीं बन सकती, ऐसा नहीं होता क्या? बोलो बोलो, ऐसा नहीं होता क्या? नहीं, एक सामान्य ऐसा नहीं होता क्या? होता कि नहीं? अब ऐसे काल में यहाँ विषय क्या मालूम, कोई व्यक्ति ने बोल दिया, उस मध्य उस त्यागी कहता है क्या बोलेगा कि हमने दीक्षा से। कोई भी त्यागी आए नादनी में, आप सेवा करना, उनके हृदय की पीड़ा को समझना कि जिसने सब कुछ छोड़ के रखा। अनुभाग, यदि पुण्य का तीव्र नहीं चल रहा तो मित्र शुभ्र सागर ऐसा भी देखा जाता है, पहले सिर पर चढ़ा के आए थे हमारे गांव में पधारो, उल्टा सिर पर चढ़ाने जाते हैं, हमारे यहाँ आना मत। देख बालक, समय समय कैसे बदलता है, देख रहे हैं आप समय कैसे बदलता है। अनुभाग। और एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई 2 कौड़ी का नहीं पूछता था, वो आपका रवींद्र, संगीतकार का नाम सुन, रवींद्र जैन। मालूम सागर वो कौन है? शुद्ध दिगम्बर जैन था रविंद्र जैन। अब इतनी खेती कैसे मिल गई? उनका मित्र जो है ना इंदौर में रहता है, तो जयसेन पंडित जी है ना, सुब्रत जयसेन पंडित जी इंदौर में, वो रविंद्र के गांव के ही हैं। सम्मति पत्र हाल है, उनके गांव के हैं। वो पंडित जी मुझे बता रहे, महाराज जी रविंद्र जैन की कथा सुनोगे क्या? हमने क्या है? आँखों का अंधा, कौन देखता बच्चों को रोड पर बैठ करके कभी गा लेता, गाना सीख गया, कोई पूछता नहीं था। हम बच्चे बच्चे मिलकर के उसका गाना सुनते थे। और एक दिन ऐसा नियोग बना, वो रोड पर गाना गा रहा है भाई रवींद्र जैन, और किसी ऐसे व्यक्ति ने देख लिया बम्बई से किसी ने, बोले कंठ तो बहुत अच्छा है, वो वहाँ से ले गया। समय देखो बेटा, आँखों वालों की भाग्य फूटते हैं तो आँख अंधों की भाग्य चमकते हैं। समय उनको ले गए। वो आस जहाँ देखो वहाँ कौन? रविंद्र जैन। रविंद्र जैन संगीत का रविंद्र जैन। समय देखो आप, समय देखो आप। जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए और किसी भी दीनहीन को दीनहीन मानकर दुत्कारना नहीं चाहिए। विपाक अभी अशुभ चल रहा है, पक रहा है, माँ कच्ची लोई को फेंक देना चाहिए ना। कच्ची लोई, लोई रोटी बनाने के पहले लोई बनाते ना, उसको तो खाया नहीं जाता तो फेंक देना चाहिए ना, बराबर। देख लो ये नांदी की माता क्या बोल रही हैं, कच्ची लोई को फेंक देना चाहिए ना। क्यों? वो तो खाई नहीं जाती ना। अरे भाई कच्ची लोई नहीं खाई जाती है, परंतु थोड़ा समय दो, वही रोटी मिलेगी, वही पकेगी सिकेगी, वही खाई जाएगी ना। कच्चा फल भी नहीं खाया जाता है, खट्टा होता है आम, लेकिन वही पकने पर मधुर फल देता कि नहीं। ऐसे ही सुनो ध्यान से, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, ये समयसार का विषय समझ तो, लेकिन करना नहीं को तो समझ में आ रहा आपको। कच्चे आम को, अमिया को तोड़ के फेंक नहीं देना चाहिए कि खट्टी है खट्टी है। मित्र समय दो, वे खट्टी अमिया ही आम बन करके मीठा फल देती है। ऐसे ही कोई तुमको धुतकार भी दे, बालक सुन रहे ना, कोई धुतकारे भगो यहाँ से, कहाँ के बैठ गए, तभी तुम शांति से उठ जाना, अब दूसरे स्थान जा बैठ जाना। लेकिन कहना मित्र चिंता मत हो, छोटी अमिया ही फल बनती हैं, टेंशन मत ले। आज हम कच्चे हैं। बच्चों को मंदिर में कोई खेलते ना, कोई तो ये सब भगा देते ना, ये बच्चों को बाहर ले जाओ। क्यों ऐसा कर रहे हो भट्टारक जी? तुम भी बच्चे थे, अंकली उदगांव उपद्रव मचाते मंदिर में। अब तुम कुछ कह नहीं सकते, भूल की है। या तो यहाँ लाते सीधे, या फिर ऊदगांव नहीं ले जाते। ऊदगांव ले जाते तुमने काम बिगाड़ लिया अपना। क्यों बिगाड़ लिया? इनका घर द्वार में सब देख के आ गया हूँ। ठीक है, जहाँ खेलते थे कूदते थे, जो इन बच्चों से उधम मचाया, वो भी बच्चे उन्होंने मिला दिए। अब सोचिए कच्ची अमिया खट्टी होती कि नहीं? तो कच्ची अमिया खट्टी होती है। और ये बच्चे छोटे छोटे हैं, रोएंगे भी, गाएंगे भी, हंसेंगे भी, उधम भी मचाएंगे, लेकिन आँख मीच बंद करके देखो कि जब आम कच्चा बड़ा हुआ तो मधुर फल देता है। यही बच्चे समाज के कोई साधु बनेंगे, कोई भगवान बनेंगे, कोई आचार्य बनेंगे, बराबर। आइए फल अनुभाग, इसलिए मालूम, देखा मैं किसी से कुछ नहीं बोलता हूँ, मुझे मालूम है। कच्ची अमिया देख के अचानक कोई आय के मुख में रख ले तो वो चेहरा बनाएगा, माली कभी चेहरा नहीं बनाता। कभी देखा आप लोगों ने? कच्चे आम पर अमिया छोटी लगी हुई है तो कोई अचानक तोड़ के मुख में रखे तो मुंह बना हुआ खट्टी है खट्टी है, लेकिन माली कभी चेहरा नहीं बनाता। बोले क्यों? उसे मालूम है यही मेरे अमिया आम बनेगी। ऐसी गुरु को मालूम होता है ये कच्चे कच्चे चेले ही पक्के महात्मा बनेंगे। अनुभाग, लेकिन तीव्र मंद अनुभाग दुरंतम राग रस निर्वाद द्वेषानम एव जीवम स्तनो अतिरिक्तम अन्य स्तन अवलंबनोति चिता। तो जो तीव्र बंधन भाव में ही भेद रूप होते हुए भी दुरंतम, जिनका निराकरण करना कठिन होता है, राग रूपी रस से भरे हुए अद्वैसा कोई संतान परंपरा ही जीव ऐसा कोई कहता। लेकिन ध्यान दीजिए, ये विपाक है, कर्म का रस है, लेकिन ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। पर अज्ञानी इन कर्म के फलदान को ही आत्मा मानता है। ओहो पीयूष भाई, डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी अज्ञानी, डिग्रियां MA BA जितनी डिग्रियां तुम्हारे पास हो सारी पढ़ाई कर लो तब भी अज्ञानी, क्योंकि इन डिग्रियों को प्राप्त करके तुम करोगे क्या? सर्विस करोगे ना, धन कमाओगे ना, संसार के भोग अच्छे से भोगोगे ना, लेकिन तुमको उस पता ही नहीं है ये विपाक रस है, कर्म रस है, ये आत्मा का रस नहीं है, रस है। जिस दिन वैराग्य पक्का हो गया ना जीव को, दौड़ धूप समाप्त। किसके लिए? किसके लिए? मित्र सुन भाई, संभालो, अच्छे संभालो, मठ को अच्छे संभालो, लेकिन अंत में निर्णय ये करना, मठ नहीं संभालना, अपने चेतन भगवान आत्मा को संभालना। सब अनुमोदना कर रहे हैं, लेकिन वो भाई मना कर रहा है सामने। नहीं अभी नहीं, मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। जब तुमको लगे कि अब सार नहीं बचा, थक जाओ, थक जाओ, तो फिर कोई अच्छे बालक को स्थापित करके फिर तुम निकल जाना, ठीक है? लेकिन सूना खाली करके नहीं जाना, भले सागर को बिठाल देना। लेकिन सागर, हमने ये सुना यहाँ बाल ब्रह्मचारी बैठता है, ये सत्य है क्या? तो तुम्हारी गद्दी तो गई, बालक को बिठाल देना। इसलिए नव पुराण अवस्था भावी न वर्तमान नो नोक्रमेव जीवा शरीर आदि तो अन्यस्तम उपलब्ध मानस्तति केचित। मतलब आत्मा के बारे में जो केचित केचित शब्द चल रहा है ना, केचित केचित, कोई मत, कोई मत, ऐसे ऐसे मत है, ऐसा मानते, ऐसा मानते, लेकिन ये सत्य नहीं है। नव पुराण शरीर से पृथक कोई जीव प्राप्त नहीं होता है, तो कैसे नई पुरानी अवस्था, नया शरीर, पुराना शरीर, नई पेंसिल, पुरानी पेंसिल, ये सब तुम क्या मान रहे हो? नव पुराण अवस्था भावी न वर्तमानम नोक्रमेव जीवा। बालक है, शिशु है, किशोर है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, बोले यही जीव है। जीव बूढ़ा हो गया, व्यवहार क्या बोलता है? जीव बूढ़ा हो गया, जीव बच्चा है, जीव किशोर है, जीव युवा है, जीव प्रौढ़ है। ज्ञानी अज्ञानी ऐसा बोलते हैं, जीव न बच्चा होता है, जीव न प्रौढ़ होता है, न बूढ़ा होता है, न मरता है, जीव तो सदा जीव ही रहता है। पर ये सब नोक्रम शरीर है, वही जन्मता, वही मरता, वही जीवता, वही सीढ़ होता है। लेकिन अज्ञानी जीव इस शरीर को ही आत्मा मान करके उसमें हर्ष विषाद करते हैं। शरीर अतिरिक्त अन्यत्म अनुपलम्बानत्वति चेत केचित्, मतलब शरीर से भिन्न आत्मा है ही नहीं है, वो शरीर ही आत्मा है, ऐसा अज्ञानी मानता है। परंतु शरीर आत्मा न है, न था, न आगे होगा, शरीर भिन्न है। कैसे? कुल्फी का सांचा बराबर, ऐसा कोई अज्ञानी मानता है। भीष्मपि पुद्गल पापम पुण्य पापम विश्व पुण्य पाप रूपणे आक्रमणम कष्ट कर्म विपाके जीवा। और कुछ क्या मानते हैं? जो विश्व में शुभ अशुभ कर्म है, पुण्य पाप है, उन पुण्य पाप से पृथक अन्य कोई जीव प्राप्त नहीं होता। हाँ, एक सज्जन थे भिलाई में पीयूष, वो बहुत अच्छे धनपति थे। उनको अपने धन पर इतना अहम था, सागर भैया यहाँ भी कोई हो तो ध्यान संभल के सुनना, इतने सुखी थे वो, उन्हें स्वर्ग नहीं दिखता था। सुना कुछ? और जब मेरे पास आए तो मालूम क्या बोले हैं? बोले महाराज जी आप तो मेरी बात मानोगे ही नहीं, दर्शन करने आए, मंदिर भी जाएं और मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाएं, जब भी मंदिर जाएं तो 1000 के 500 के नोट गोलक में डालूंगे पिताजी। लेकिन स्वयं क्या बोले हैं? देखो महाराज जी कोई स्वर्ग नहीं है, हम सुखी हैं यही स्वर्ग है, वो सामने दुखी दिख रहे ना यही नरक है। कभी कभी आपके शब्द भी ऐसे चलने लगते हैं, घर में क्लेश होने लग जाए, लड़ाई झगड़ा होने लग जाए तो आप क्या बोलने लगते हैं? बोले घर नरक बन गया। एक घर नरक नहीं बन गया, घर कभी नरक नहीं होता, यही नरक हो गया है तो मनुष्य गति का दुख कहाँ जाएगा फिर? हाँ ये बात सत्य है। जिसके घर में 24 घंटे झगड़ा होता है मालूम है कौन लोग हैं? वे लोग निकल के आए वहाँ से, उसका अभ्यास होने लड़ने का। तो आप बोल सकते हो भूत भूत नारकी तनक शांति से जी लेने दे हमारे लिए, ठीक है? तो सभी नरक से तो नहीं आए होंगे ना, सभी तो नहीं आए ना। तो जो लोग सर्विस करने जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, वे पहले अभ्यास करते ही नहीं कि सेना का करते ना। तो ऐसे जो लोग अभी तुम्हारे घर में लड़ रहे आपस में, वे भर्ती होने वाले नरक में जाने वाले लोग। देखो माता सुन लिया आपने, अब ये सब पुरुष समझ गए हैं। यदि ये भी तुमसे लड़े हैं तो कहना क्या ज्ञानी आया कि जाने वाला है। क्या है जो है सो है, आटे की चक्की हाथ की पीसी कभी क्या आप लोगों ने? पीसी है ना, वो आटे की हाथ से पीसते ना चक्की, हाँ क्या बोलते हैं आप यहाँ? ठीक है जाता बोलते अच्छी बात है, पर बड़ी चक्की छोटी चक्की जाता अलग होते हैं। जाता मालूम जैसे दाल निकाली जाती है वो जाता होता है, जतला, ठीक है? अब वो जाता सही लेकिन उसमें डंडा रहता है ना, आपने घुमाया, ठीक है? घुमाने के बाद तुमने छोड़ दिया, 1-2 चक्कर लगा लेता कि नहीं लगा लेता? छोड़ने के बाद भी क्यों लगा लेता है? क्यों लगा लेता है? घुमाते घुमाते आपने छोड़ दिया तो तब भी चक्कर उसके लगा लेता, क्यों लगा लेता है? बोलो बटन रख जी। कोई चला रहा है, ठीक है, उसको छोड़ दिया डंडा, फिर भी चक्कर काटती रहता है, ऐसा क्यों? अच्छा आप लोग पंखा चालू करते हो, पंखा बंद भी कर दिया आपने तब भी पंखा चलता रहता है, ऐसा क्यों? बोलो बोलो, समय नहीं है हमारे पास, समय हो गया आपका। क्या हुआ सुबक सागर? हाँ घर छोड़ दीजिए, हाथ भी अंगुलियां भी देख लो, लेकिन क्या कर सकते, संस्कार। मतलब वो डंडा छोड़ने के बाद, पंखा बंद करने के बाद तब भी घूमता, संस्कार पड़े हुए हैं। ऐसी नरक से तो आ गए बेचारे, क्या नरक से तो आ गए लेकिन वहां के संस्कार लेके आए, सो यहां भी आके लड़ रहे हैं। चाहे समाज में हो, संघों में हो, घर में हो, ये जितने लड़ रहे हैं भी नरक के संस्कार लेके आए। अब मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह रहा हूं, आप स्वयं निर्णय करना कि हम आने आए हैं कि जाने वाले हैं। जाने वाले सो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आए सो संस्कार चल रहे हैं। देखो सागर घर में रह नहीं पाओगे अब, ये तुम्हारी देवी यहां सुन रही होगी ना, तो तुमने घर में जा कुछ किया तो पूछ रहेगी स्वामी आए हो कि जाने वाले हो। संस्कार विश्व पुण्य पाप के रूप है कमनम, तो विश्व में पुण्य पाप रूप जो कामना है, कर्म विपाक एव जीवा, जो कर्म का विपाक है वही जीव है। स्वासो भाव अतिरिक्त, श्वासो भाव से अतिरिक्त अन्यत अनुपलम्भात् पाप इति चेत के चित, श्वासो भाव से भिन्न कोई चेतन है ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ मानते पर ऐसी मान्यता सम्यक नहीं है। शेष आगे विचार करेंगे, कल फिर आओगे। पर्याय हेतु आगे की व्याख्या आगे करेंगे, ठीक है। समझ में आया सबको? पूरा नहीं है, इतना तो आ ही गया है। कहाँ से आए हो कि जाने वाले हो, ठीक है। आत्मा स्वभावम